नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे घर में पहुंचने वाले नल जल योजना को लेकर। सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नल जल योजना को लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अगर नल जल योजना के तहत घर तक नल का जल नहीं पहुंच रहा है तो ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पीएचईडी विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार एक दिन भी अगर घरों में नल से जल नहीं पहुँचता है तो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को 2,000 रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इस लेटर में कहा गया है कि अगर पानी घर तक नहीं पहुंचता है तो संबंधित विभाग के इंजीनियर पर भी इसको लेकर गाज गिर सकती है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जिन इलाके में घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है, इस इलाके में जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर भी दोषी माना जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, विभाग ने अभी तक काम सही नहीं करने के जुर्म में 138 कॉन्ट्रैक्टर को हटा दिया है। अभी तक 8 को ब्लैकलिस्टेड घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पीएचईडी विभाग ने प्रदेश में 55,737 वार्ड में नल जल लगाने का कार्य किया था। इस पूरे कार्य की देखरेख पंचायत से लेकर प्रदेश तक की जा रही है। इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें IoT डैशबोर्ड तैयार किया गया है। आपको बता दें कि विभाग ने नल जल योजना को लेकर ऐसी व्यवस्था की है कि अगर कोई भी किसी भी तरह की परेशानी होती है तो प्रखंड स्तर के अधिकारी से लेकर पंप ऑपरेटर को एक साथ जोड़ा गया है, जिससे कि उस समस्या को जितनी जल्दी हो सके निजात पाया जा सके। बता दें कि प्रदेश में जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, ऐसे में लोगों को घरों से बाहर निकलने से मना किया गया है। साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश नहीं होने के कारण पीने तक का पानी नहीं मिलता है। बता दें कि बिहार में फ्लोराइड और क्लोराइड युक्त पानी होने के कारण लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में बिहार सरकार ने नल जल योजना को लेकर एक बड़ा कार्य किया है, जिसके तहत उन इलाकों में पानी पहुंचाया गया जहां पर पानी को लेकर बहुत समस्या थी। खैर, अब बिहार सरकार का मानना है कि प्रदेश में लगभग जिलों में इस योजना के तहत पानी पहुंचाया जा चुका है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि अगर घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है तो आप शिकायत करें, आपकी शिकायत सुनी जाएगी और पानी नहीं पहुँचने के जुर्म में उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि अब नल जल योजना को लेकर जल चौपाल लगाई जाएगी, जिससे कि लोगों को अच्छा पानी मिल सके। यह भी बताया गया है कि किसी भी महीने से पहले गुरुवार को वार्ड में चौपाल लगाया जाएगा। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में पंप ऑपरेटर के सामने समस्याओं को पर चर्चा होगी। जहां जहां समस्या है उस इलाकों को देखा जाएगा और वहां पर कार्य करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, इन इलाकों में पानी की स्थिति को भी देखा जाएगा, जैसे कि कितना पानी का प्रेशर है। बता दें कि इन इलाकों में पानी की गुणवत्ता के साथ साथ समस्या की भी पूरा समाधान करने की बात कही गई है। तो जिस तरह से प्रदेश में गर्मी की स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए नल जल योजना जो है सुचारू रूप से चल सके, घर तक जो है नल का पानी पहुंच सके, नल से पानी पहुंच सके, इन सारी चीज़ों पे जो है विचार किया गया है। और ऐसे में बाढ़ को जो है अहम जिम्मेवारी दी गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।